वेलकम टू मॉम्स किचन। दोस्तों आज हम लोग बनाने जा रहे हैं आमड़ा का टॉक यानी कि आमड़ा से बनी हुई मीठी चटनी। इसके लिए जो सामग्री हम लोगों को चाहिए वो है आमड़ा, ये इस तरह से मिलता है, आप देख सकते हैं ये ऐसे रहता है। इसी को मैंने ऐसे छोटे छोटे टुकड़े में पतला पतला ऐसे काट लिया है, ऐसे इसका बॉडी बाहर से ऐसे निकाल लिया है, इस तरह से काट लीजिए। आपको चाहिए शक्कर, सरसों का तेल, दो तीन सूखी जो लाल मिर्च होती है वो, राई के दाने और हल्दी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग गैस जला लेंगे और कढ़ाई पे हम लोग डाल लेंगे सरसों का तेल। थोड़ी सी ही चाहिए बस तड़के के लिए। जब तेल गर्म हो जाए इसमें हम लोग डाल लेंगे जो सूखी लाल मिर्च हम लोगों ने रखी हुई है, वो सूखी लाल मिर्च और राई के दाने। आप इसको डाल ले सूखी लाल मिर्च और थोड़े से राई के दाने और इसको क्रैकल होने दें। आप देख सकते हैं लाल मिर्च अच्छे से भुना गई है और सरसों भी अच्छे से क्रैकल कर गया है। अब हम लोग इसमें डाल लेंगे जो हम लोगों ने काट के रखा हुआ था, इसको अच्छे से मिला लेंगे और इसको थोड़े दो मिनट भून लेंगे। इसी तरह से बीच में एक दो बार और हिला के दो तीन बार इसको ऐसे पलटा पलटा के थोड़ा सा फ्राई कर ले और फिर इसमें डाल दें आप पानी, क्योंकि ये खट्टा मीठा होता है आमड़ा जो होता है, तो इसी हिसाब से ही हम लोग इसमें शक्कर डालेंगे। ये थोड़ा सा पानी वाला झोल टाइप का बनता है, चटनी है मीठी चटनी, खट्टी मीठी बनेगी ये, क्योंकि आमड़ा का जो स्वाद होता है वो थोड़ा खट्टा मीठा होता है। और इसको अच्छे से पकने देंगे जब तक ये अंदर के जो आमड़ा हम लोगों ने डाला हुआ है वो नरम नहीं पड़ जाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें अच्छा सा बॉयल आ गया है। अब इसमें हम लोग डाल लेंगे एक पिंच ऑफ हल्दी पाउडर और इसको मिला देंगे। और इसको फिर से पकने के लिए छोड़ेंगे। आप देख सकते हैं पानी बहुत रिड्यूस हो गई है और साथ ही साथ ये जो आमड़ा है वो बिल्कुल नरम पड़ गया है। आप दबा के देख लें, जब ये अच्छे से नरम पड़ जाए इसके बाद हम लोग इसमें जो शक्कर है वो ऐड करेंगे। शक्कर आप उतना ही यूज़ करें जितना आपको मीठा चाहिए, क्योंकि ये खट्टी होती है थोड़ी सी, तो ये खट्टी मीठी ही चटनी बन के तैयार होनी है आमड़ा की। और इसको आप अच्छे से मिलाते हुए पूरा शक्कर को आप इसमें घोल लें और थोड़े देर के लिए कुक करें, ताकि शक्कर का एक जो कच्चापन होता है पानी भी छोड़ेगा तो वो इसमें से ख़त्म हो जाएगा। आप देख सकते हैं शक्कर भी बहुत अच्छे से घुल गई है और जो चटनी है वो थोड़ी सी गाढ़ी भी हो आई है, मतलब आपकी चटनी बनके तैयार है। अब इसको निकाल लें और ठंडा होने के बाद इसको परोसें। लीजिए बनके तैयार है आमड़ा की चटनी यानी कि आमड़ा टॉक। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी नए विजिटर्स हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आगे के जो वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।